जय भीम जय जोहार। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं जन की बात। मॉब लिंचिंग हमारे और आपके लिए अब एक ऐसा शब्द बन गया है जो आए दिन सुनाई दे ही जाता है। कभी किसी की चोरी के शक पर मॉब लिंचिंग, कभी गोमांस के शक पर मॉब लिंचिंग, कभी जय श्री नाम ना बोलने पर मॉब लिंचिंग, कभी कुछ तो कभी कुछ और। अब तो ऐसा लगता है हमारे आसपास की जनता को एक बहाना चाहिए किसी को जान से मारने का। अब ये तो और आसान हमारी सरकार ने भी बना दिया है, क्योंकि हत्यारों को भीड़ शक्ल दे दी जाती है और उस भीड़ के लिए कोई सजा नहीं है। गलती से सजा हो भी जाए तो सबूतों के अभाव में वे छूट जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते 4 अलग अलग जगह पर मॉब लिंचिंग हुई है। बरेली, कुशीनगर, नोएडा और मैनपुरी में अलग अलग कारणों से मॉब लिंचिंग हुई। लिंचिंग करने वालों को ना कानून का डर था ना सरकार का। पहली घटना 4 सितंबर को बरेली में आंवला गांव में हुई। 20 साल के वासित पर आरोप था कि उसने लोहे की कुछ तारों की चोरी की है। पकड़े जाने पर गांव के लोगों ने वासित को पेड़ से बांधकर उसे मारा पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की है। ये मामला 6 सितंबर का है, जहां आफताब नाम के कैब ड्राइवर को उनकी ही गाड़ी में बैठे लोगों ने मार दिया। बेटे के अनुसार उनके पिता को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके पिता की कुछ बोलने की हालत ही नहीं थी। उनके बेटे मोहम्मद साबिर ने बताया कि उनके पास फोन रिकॉर्डिंग है। पिता से उनकी आखिरी बात शाम 7:30 बजे हुई थी। उसके बाद उन्हें पिता का फिर फोन आया, लेकिन उनके पिता ने कुछ बोला ही नहीं। उन्हें शक हुआ और उन्होंने फोन रिकॉर्डिंग पर डाल दिया, जिसमें साफ साफ सुनाई दे रहा है कि आफताब के साथ साथ वाले लोग उन्हें जय श्री राम कहने के लिए कह रहे हैं। तीसरी घटना 7 सितंबर को मैनपुरी में हुई, जहां शक के आधार पर भीड़ ने एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया। मृत व्यक्ति सर्वेश दिवाकर दलित समाज से आते थे, जो कचौड़ी बेचा करते थे। आरोप है कि वारदात को अंजाम देने वाले बजरंग दल के हैं। दरअसल ये हत्या एक अफवाह के बाद की गई। सर्वेश के बारे में अफवाह फैलाई गई कि उसने अपनी बेटी को बेच दिया है, हालांकि ये झूठी पाई गई और खुद उसकी बेटी ने इसका खंडन किया। चौथी घटना भी 7 सितंबर की ही है, जो कुशीनगर के रामनगर बंगरा गांव की है, जहां आरोपी ने पहले एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। उसने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर किया, लेकिन भीड़ ने आरोपी को पुलिस से छीन लिया और उसे भी पीट पीट कर मार डाला। ये सब पुलिस के सामने ही होता रहा। हालांकि इस मामले के बाद तरिया सुजान थाने के थाना प्रभारी हरेंद्र मिश्र को निलंबित कर दिया गया। योगी सरकार हमेशा दावा करती है कि उनके उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है। उत्तर प्रदेश में अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। यह एक नया उत्तर प्रदेश है, जो उपद्रवियों से सख्ती से पेश आएगा। अगर आंकड़े की बात की जाए तो आंकड़े भी उत्तर प्रदेश की दुर्दशा दिखाते हैं। क्विंट की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 से साल 2019 तक 133 लोगों की मॉब लिंचिंग में जान गई है, और इन घटनाओं में मरने वाले सबसे ज़्यादा दलित मुस्लिम समुदाय के ही हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लिंचिंग उत्तर प्रदेश में हुई है। तो क्या उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश का दावा झूठा है? जब साल 2018 में मॉब लिंचिंग पर मुख्यमंत्री का पहली बार बयान आया, तो उन्होंने मॉब लिंचिंग को बहुत हल्के में लिया। उनके अनुसार मॉब लिंचिंग कोई बड़ी बात नहीं होती, बल्कि इसे जबरदस्ती तुल पकड़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में भले ही कानून व्यवस्था के बेहतर होने के बड़े बड़े दावे करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रही घटनाएं कुछ और ही बयान कर रही हैं। कानून व्यवस्था खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। आज बस इतना ही। बहुजन समाज की और अधिक खबरों के लिए द शूद्र देखते रहिए और अपने साथियों को भी दिखाते रहिए। इसके लिए द शूद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय भीम जय जवाहर जय भारत। द शूद्र के लिए मीना कोटवाल।
साथियों अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में दशरुद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है दशरुद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।